वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, अभी लंच या ब्रंच करने के लिए जा रहे हैं। और अभी मैं मेरा मार्केट के काम से अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, अभी 3:30 हुए हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश में। कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, कल हम लोग का दिन इतना हैरेसिंग है जिसका हिसाब नहीं। 2 दिन बाद तो कल जाके हम लोग खाना खाए, वो भी शाम को 5 बजे। उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी आज जाएंगे गंगा आरती के लिए भी जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे फिर ऐसे घूमेंगे और फिर 5 बजे आके त्रिवेणी घाट पे बैठ जाएंगे। अभी ब्रंच करने के बाद मैं और यश जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। ये जो पूल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं जानकी सेतु ना, जानकी सेतु। पिछले साल जब मैं यहाँ पे आई थी तब तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, बट इस बार तो फ्लो बहुत कम दिख रहा है मुझे। बाकी मानना पड़ेगा यश बहुत पहले आया था यहाँ पे, नहीं वापस आप आए थे बीच में, उस टाइम से इसको सारे रास्ते याद है ऋषिकेश के। अब याद रखता हूँ भाई मैं ऐसे। पहुंच गए हम लोग त्रिवेणी घाट, 1 घंटा पहले ही आ गए यहाँ पे। अच्छा हुआ फिर हमको सीटिंग अच्छी मिल जाएगी, लोग अभी से ही आना चालू हो गए तो हमें सीटिंग अच्छी मिल जाएगी, 1 घंटा बैठ जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे भजन कीर्तन होगा उसका मजा लेंगे। त्रिवेणी घाट पे भगवान श्री कृष्ण भी आए थे ठीक होने के लिए, जब उनको जरा ने पाँव में गलती से तीर मार दिया था तो वो ही चलते चलते मतलब यहाँ तक आए थे और हील होने के लिए, बट यहाँ से भी वो ठीक नहीं हो पाए तो वापस वो द्वारका चले गए थे। और ये कुर्ता एंड मोमेंट पे मैंने खरीदा, मतलब आयुषी खरीदवाई मुझे, नहीं नहीं कुर्ता लो कुर्ता लो, तो ये कुर्ता खरीदा मैंने फिर, इसलिए मेरी आउटफिट ही चेंज हो गई। मैं पैंट में वाइट टीशर्ट निकला था, वो अभी एक्टिवा की डिक्की में रख चुका हूँ। अरे भाई हमने मंगा लिया हमारा खाना, नॉर्मल दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्जी। आज हम लोग जो मतलब दोपहर में 3:30 बजे निकले मेरा काम ख़त्म करने के बाद, अभी 12:15 बज रहे हैं, अभी जस्ट आए हम लोग वापस, पूरा घूम घूम लिए, बैठ गए थे बाद में परमात घाट पे जाके, फिर कुछ करने के लिए तो था नहीं, आ गए। और आज तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए भाई क्या बताऊँ, ये तो सॉरी आयुषी की नज़र पड़ गई। हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे हमारे होटल की तरफ तो रास्ते में लाइट चली गई थी, यहाँ पर लाइट नहीं थी एरिया में, तो एक लाइट्स थी। हाँ स्ट्रीट लाइट कैसे नहीं थी, अभी देखा नहीं क्या स्ट्रीट लाइट चालू है, लाइट ही नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट चल रही थी भाई, मेन रोड पे सारी लाइट चल रही थी, क्या बात कर रही है तू। तो वहाँ पे लाइट नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, तो एक आदमी आयुषी देखी कि एक कोरियन लड़की थी वो उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था उसको, और उसकी कुछ बात बात हो रही थी गली के बाहर खड़े होके, तो आयुषी बोली कुछ तो भी गड़बड़ है आप देखो, पर मैं इतना ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैं रुका और यू टर्न मारा, देखा तो वो बंदा उसको फॉलो ही करे जा रहा है, फॉलो ही करे जा रहा है। बाद में मैंने मेरे एक्टिवा की मतलब लाइट बंद कर दी, मैं बोला देखने के लिए कि देखूं ये सच में हमारा ऐसा शक है कि ये सही में उस बंदी का पीछा कर रहा था। जैसे ही हमने लाइट बंद करी हमारे बाजू से 2 एक्टिवा आगे गई, तो उसको लगा जो एक्टिवा हम लोग उसके पीछे चल रहे थे वो निकल गई, और मैंने लाइट बंद कर रखी थी भाई, जो वो भागा है उस लड़की के पीछे, और वो लड़की भी जो भागी बचने के लिए, और मैं उसको जबकि उस लड़की को एक बार पहले रुक के पूछा, जब आयुषी ने मुझे बोला ना कि कुछ डाउट है तो मैं उस लड़की को पूछा कि भाई कुछ दिक्कत है क्या आपको, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ,
तो उन्होंने नो 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 करके वो डरी हुई थी, तो उनको लग हाँ तो उनको लगा रहेगा कि हम भी कुछ उनको मतलब ट्रबल देने के लिए तो नहीं पहुँचे, तो फिर उन्होंने हमको मना कर दिया। फिर मैं जैसे ही देखा कि वो बार बार भागे जा रहा, और एक इजरायली लड़की भी थी, अकेली थी वो भी, वो लेकिन आदमी के पीछे थी, तो मैं तुरंत गया वो कोरियन के पीछे और बाद में उनको बोला कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो बैठी, फिर मैं उसका पास में ही था, मतलब 300-400 मीटर आगे ही उसका हॉस्टल था, वहाँ पे जाके उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद भाई वो इतना थैंक यू बोली, इतना थैंक यू बोली वो आयुषी, मैंने ट्रिपल बिठा लिया, कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो आयुषी के उसने कंधे पे हाथ रखा था, तो आयुषी बता रही थी कि भाई उसके पूरे हाथ पांव ठंडे ही हो गए थे एकदम। फिर बाद में उसको उतारा तो बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करी। मैं बोला यार आप कहीं भी किसी से भी हेल्प मांगने के लिए हिचकिचाऊ मत, कोई भी आपको हेल्प कर देगा। उसके बाद आयुषी को क्लिक हुआ, अरे वो इजरायली लड़की भी तो थी वहाँ पे। तो हम लोग, मैं तुरंत गाड़ी घुमाया और देखा तो एकदम कॉर्नर में बैठा है, एकदम अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा था वो। फिर जैसे ही मैं आगे गया, मैंने लाइट वापस से बंद करी, वो उठ के पीछे भागने लगा वो इजरायली के भी। वो इजरायली ने उसको बोला था डू नॉट स्टॉप मी एंड डू नॉट फॉलो मी, तो पर वो सुना नहीं, वो बैड वो उसके पीछे लगा हुआ ही था। बाद में फिर मैं उनको अप्रोच किया, मैं बोला आर यू कंफर्टेबल ऐसा वैसा, तो बोली नो दैट गाय इज़ फॉलोइंग मी ऐसा ये वो बोला, तो बोला चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उस लड़की को भी जाके ड्रॉप किया, बाद में वहाँ पे मिला, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया वो सब भाई, आज बहुत कुछ हो गया। बाद में फिर अभी वो हमको जानकी सेतु पे फिर दिखा, और वो हमको देख के जो भागा है वहाँ से, जिसका हिसाब ही नहीं है भाई, आज बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया ये सब। बोला पर चलो कोई बात नहीं, हमने भाई किसी दो लड़कियों की हेल्प करी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी मेरा ध्यान तो था ही नहीं, आया आयुषी बताई तो उनकी मदद हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता भाई। मतलब सोचो आज तो अपन ने उसको देख लिया तो अपन ने चलो हेल्प कर दी, बोल रहा हूँ कि अपन ने उसको आज देख लिया तो अपन ने हेल्प कर दी, बट वो आदमी रोज कितनी लड़कियों का ऐसे पीछा करता होगा, क्या पता अंधेरे में। तो मतलब अगर हम नहीं पहुंचते वहां पे हेल्प करने के लिए, तो वो कोरियन लड़की को तो वो पक्का नहीं छोड़ता, क्योंकि वो स्ट्रीट पे लाइट्स तक नहीं थी, पूरा अंधेरा था वहां पे। और पता नहीं लोग ऐसे, मतलब